अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू रिव्यू। आज हम टेक्नो पोवा 2 का रिव्यू करेंगे और देखेंगे किस फैक्ट्स और किस इन्फॉर्मेशन के साथ ये मार्केट में लॉन्च किया गया और इसकी गलत सही चीज़ें हम उसको भी गौर और फिक्र उसके ऊपर भी करेंगे और उसको भी हाईलाइट करेंगे और देखेंगे आप लोगों को भी बताएंगे क्या चीज़ इसके अंदर काम है और क्या चीज़ है। ओवरऑल अगर देखें इसका हर यूट्यूबर की तरफ से अगर इसका रिव्यू देखा जाए और यूज़र की तरफ से इसका जो सा रिव्यू और इसका जो रिएक्शन है उसको देखा जाए तो हर यूज़र भी खुश है और यूट्यूबर भी इस मोबाइल का रिव्यू करने में यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक बंदा को कहते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी इस प्राइस टैग के अंदर तो बम किस्म की ये डिवाइस है। ठीक है, टेक्नो की तरफ से टेक्नो का ये गेमिंग मोबाइल है और जैसे रेडमी की तरफ से आते हैं वो नोवा उसका टेक्नो का नार्जो आता है, नार्जो 2 आता है, नार्जो 3 आया अभी पीछे, नार्डो 3 ये आया, उसके बाद इस तरह डिफरेंट अपने अपने जो सी कंपनीज हैं अपने अपने मोबाइल गेमिंग मोबाइल निकालती रहती हैं। इसी तरह टेक्नो में भी अपना गेमिंग मोबाइल निकाला है टेक्नो पोवा 2। आज हम इसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या हिसाब किताब है इसका। तो चलते हैं स्क्रीन पे और टर्मिनल पे आप लोगों ने देखा होगा 300 सब्सक्राइबर या थैंक यू फॉर 300 सब्सक्राइबर। और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को और बाकी लव यू हो गया आप लोगों का यहाँ तक सपोर्ट करना और आगे भी सपोर्ट करते रहें। जल्दी से आप 500 करवा दें और उसके बाद फिर 1000 और कंटिन्यूसली ऐसे चलते रहेंगे और आप लोगों को रिव्यू प्रोवाइड करते रहेंगे। इंशाल्लाह कोशिश पूरी होती है कि आप लोगों के लिए कोई अच्छा डिवाइस लेके आए अवेलेबल यानी कि अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं। स्क्रीन पर हम लोग आ गए हैं और सबसे ऊपर तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा टेक्नो पोवा 2। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन काफ़ी आप कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन है, बहुत ज़बरदस्त। तीन इसके अंदर ये कैमरे दिए गए हैं, तीन एक कैमरा है, दो लेंस हैं, उसके बाद फिर एक डेप्थ सेंसर है ऐसे ही साथ, जिसके इसके फ्लैश लाइट भी हमें प्रोवाइड की गई है। उसके साथ फिर इसका फ्रंट साइड देखें और उसके साथ इसके साथ अगर बैक साइड का अगर हम थोड़ा सा और गौर कर लें, यहाँ पे नीचे टेक्नो पोवा की ब्रांडिंग की गई है। ठीक है, इस दरमियान में मिड लाइनिंग हमें प्रोवाइड की गई है जो कि इस मोबाइल के डिज़ाइन को काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। ठीक है, एक यूनिक लुक के साथ इन्होंने प्रोवाइड किया और ये डिवाइस लॉन्च किया मार्केट के अंदर। और इसका जो सा फ्रंट साइड अगर देखें, इधर अगर देखें यहाँ पर मिड कैमरा अगर लगाया गया, इन्होंने वाटर ड्रॉप नहीं है और साइड माउंटेड नहीं है। ठीक है, बाकी ओवरऑल मोबाइल का डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा है और लेने के काबिल भी है। 28,999 रुपये के अंदर तकरीबन 29,000 रुपये का आप लोगों को देखने को मिल जाता है मार्केट के अंदर। आप लोग उतरेंगे तो तकरीबन आप लोगों को 26-27 का इजीली मिल जाएगा और अगर आप ऑनलाइन मार्केट से मंगवा रहे हैं तो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद अगर हम इसके सबसे पहले तो OS की बात कर लें, एंड्रॉयड 11 के साथ आ रहा है, वेट इसका 260 ग्राम है, कलर इसके 3 आ रहे हैं, मीडिया टेक का लेटेस्ट से थोड़ा सा अगर थर्ड लास्ट कह लें तो वो उस प्रोसेसर के साथ आ रहा है। उसके बाद फिर IPS डिस्प्ले है, 7 इंच की LCD है, तो उसके बाद 1080p का डिस्प्ले है, प्रोटेक्शन कोई नहीं है, 6 हर्ट्ज है और 180 हर्ट्ज का जो सा डिस्प्ले रेट है और 6/128 मेमोरी है, 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा है और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल है, Type-C चार्जिंग केबल है, साइड रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट हमें प्रोवाइड किया गया, 7000 mAh इसकी बैटरी कैपेसिटी है और चार्जिंग वाट जो सा अडॉप्टर है वो 18 वाट का है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं दोबारा से। एंड्रॉयड तो लेटेस्ट इन्होंने दिया है, उसके बाद वेट इसका काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इसके अंदर दो चीज़ें इसको अगर हम हाईलाइट करें कि अगर हम इसके ऊपर गौर करें कि वेट इसका 260 ग्राम है, इसको तो बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, डिस्प्ले आता है हमारे पास IPS, ये दोनों चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ओवरऑल आप लोग इस दो चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके आप लोग बाकी ऑल ओवर जितने भी इसके स्पेक्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इसके कलर्स की बात कर लें, पोलर सिल्वर है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, पावर ब्लू है वो भी काफ़ी अच्छा कलर है। ठीक है, और डेजल ब्लैक कलर हमें प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद हम चिपसेट की बात कर लेते हैं, मीडिया टेक का हीलियो G85 गेमिंग प्रोसेसर लगाया गया है
स्मूथली चलती है, स्मूथली पबजी टेक्नो, उसके बाद फिर कॉल ऑफ ड्यूटी और फिर मुख्तलिफ गेम्स इसके ऊपर स्मूथली चलती हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की, तो IPS LCD डिस्प्ले हमें प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे अगर हम LCD डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो कॉम्प्रोमाइजिंग है, कोई बात नहीं है। PLS नहीं दिया इन्होंने, AMOLED डिस्प्ले नहीं दिया इस प्राइस टैग के अंदर, बाकी कंपनीज की तरफ से भी यही डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है। उसके बाद स्क्रीन अगर हम साइज़ देख लेते हैं तो 6.9 इंचज़ का ये डिस्प्ले है, काफ़ी बड़ा मोबाइल है ये, ठीक है। और बाकी मोबाइल अगर हम ओवरऑल देखें ये स्क्रीन साइज़ के हिसाब से, तो बाकी मोबाइल आने वाले मोबाइलों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है टेक्नो के अंदर और बाकी मुख्तलिफ ब्रांड्स की तरफ से। उसके बाद अगर हम इसकी बात कर लेते हैं रेजोल्यूशन की, 1080p की रेजोल्यूशन हमें प्रोवाइड कर रहा है और काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन है, ठीक है। प्रोटेक्शन वगैरह हमें कोई नहीं बताएगी कंपनी की तरफ से। एक्स्ट्रा फीचर्स हैं 660 हर्ट्ज़ का और 180 हर्ट्ज़ का टच स्क्रीन हमें प्रोवाइड की गई है और काफ़ी स्मूथ स्क्रीन डिस्प्ले है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं बुलेटिन मेमोरी की बात कर लेते हैं, 128 GB रोम है और 6 GB रैम है। तो इसमें अंदर इस मोबाइल के अंदर कोई भी हमें ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं हम के भाई ये ना होता तो बेहतर था या ये होता तो बेहतर था, इसके अंदर हर चीज़ अखीर है। कोई भी बंदे के पास चीज़ आ रहा है इस टाइम आंखें बंद करके मोबाइल ले सकता है। इसके बाद इस टाइम अगर हम बात कर लेते हैं कैमरा की अगर हम देखते हैं, तीन किस्म की हमारे पास मार्केट के अंदर ऑडियंस होती है। नंबर वन जो कि बैटरी के ऊपर डिपेंड करती हैं, नंबर टू डिज़ाइन, नंबर थ्री इसके कैमरा, ठीक है, और चिपसेट, ठीक है। ये हमारे पास ऑडियंस है और इसको देख के मोबाइल कंपनीज जो मोबाइल लॉन्च करती हैं। तो कैमरे की तरफ से भी इन्होंने कोई काम नहीं किया, 48 MP का कैमरा दिया, 2 MP का डेप्थ सेंसर है, 2 MP का दोबारा डेप्थ सेंसर है, उसके बाद फिर 2 MP का मैक्रो कैमरा है, LED फ्लैश लाइट है, उसके बाद फ्रंट कैमरा है, 8 MP का वीडियो रिकॉर्डिंग है, 1080p। अब यहाँ पे बात बनती है ना कि 1080p का जो डिस्प्ले भी है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर बंदा वह जब हमारे पास है ही 720p का रेजोल्यूशन तो फिर हमें 1080p की वीडियो कैसे रिकॉर्ड करके दे रहा है। उसके बाद हम चार्जिंग केबल की बात कर लेते हैं, USB टाइप सी का चार्जिंग केबल दे रहा है हमें सेंसर, अगर हम देखें इसका फिंगरप्रिंट रियर सेंसर दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लुक है मोबाइल की। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कैपेसिटी की, बैटरी कैपेसिटी, ये कैपेसिटी बहुत ही बड़ी कैपेसिटी है, 7000 mAh। ये बैटरी टाइमिंग जो है इसकी 7000 mAh अभी तक किसी मोबाइल के अंदर 7000 mAh बैटरी नहीं हमें प्रोवाइड की गई, नंबर वन बात। दूसरी बात, ये तकरीबन 2 से 2.5 दिन आप लोगों का आराम से निकाल देगी। और चार्जिंग अडॉप्टर अगर हम बात कर लेते हैं, 18 वाट का हमें चार्जिंग अडॉप्टर मिलता है और ओवरऑल अगर हम मोबाइल को देखें काफ़ी ज़बरदस्त है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रिव्यू पसंद आया होगा, रिव्यू पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और 500 सब्सक्राइबर करने में हमारी सपोर्ट करें और आने वाले रिव्यूज़ को देखते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।